सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी यहाँ पे बज रहा है सुबह का 5:30 और यहाँ पे मेरी पूजा वूजा हो चुकी है और अब बन रही है यहाँ पे मेरी चाय। सो गाइज, आज सुबह सुबह नहाने का एक रीज़न ये भी है कि आज है मेरा बर्थडे, तो आज मैंने सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ भी कर लिया और चाय भी यहाँ पे बन चुकी है। सो क्या बोला, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो गाइज, अभी बज रहा था सुबह का 6, तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी स्कूल के लिए। सो गाइज, स्कूल जाने से पहले आज मुझे जाना है भोलेनाथ जी के दर्शन करने मंदिर। सो गाइज, फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ और पकड़ती हूँ अपना बैग और निकलती हूँ स्कूल की तरफ। गाइज, फाइनली मैं पहुँच गई थी स्कूल में और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो कि आज मेरे लिए बहुत सारे कार्ड्स गिफ्ट्स लेके आए थे और फटाफट मुझे देना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। सो आज मैं इनके लिए लाई थी कैंडी और अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। सो सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कैंडी का। सो गाइज, आज यहाँ पे देख सकते हो शीतल मैम ने मुझे सरप्राइज में दिया ये डेरी मिल्क चॉकलेट और अब हम बैठे थे और छुट्टी का इंतजार कर रहे थे यहाँ पे। सो गाइज, अब तैयारी थी घर जाने की, लेकिन उससे पहले हमारे पूरे स्टाफ और कोऑर्डिनेटर मैम की तरफ से मुझे मिला ये प्यारा सा गिफ्ट। गाइज, आज है मेरा बर्थडे। वैसे तो अब कोई सेलिब्रेशन अब ऐसा होता नहीं है क्योंकि अब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, लगता है कि अब क्या ही बर्थडे मनाई, छोड़ो। बट आज मुझे थोड़े बहुत गिफ्ट मिले हैं स्कूल में बच्चों की तरफ से और कुछ मैम लोगों की तरफ से। सो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो गाइज, अभी बज रहा था 6:30 और हमने सोचा राजपुर रोड की तरफ चलते हैं, तो हम पहुंच चुके थे पैसिफिक मॉल। सो विजू ने कहा चल थोड़ा सा यहाँ पे घूम के आते हैं, तो सबसे पहले विजू ने बोला कि भूख भी लग रही है, तो हम लोग पहुंच चुके थे फूड कोर्ट की तरफ। सो देखते हैं आज विजू क्या खिलाने वाले हैं। तो यहाँ से मैं काफ़ी टाइम बाद में यहाँ पे आ रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ से मैं कुछ वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है नीचे की फर्स्ट फ्लोर पे, तो देख सकते हो आप काफ़ी सुंदर यहाँ से लग रहा था और मैं सब कैप्चर कर रही थी। तो गाइज, आप देख सकते हो हम अभी पहुंच चुके हैं फूड कोर्ट की तरफ और अब जा रहे हैं। सो यहाँ पे बिजू ना सबसे पहले आए और उन्होंने फटाफट से फूड ऑर्डर कर दिया है यहाँ पे, जो भी हमने खाना था, और अभी हम वेट कर रहे हैं। उन्होंने बोला 5 मिनट लगेंगे बस, अब देखते हैं कब तक आता है। सो हमारा यहाँ पर ना खाना तैयार हो गया था और यहाँ पर बिजू लेके आ गए थे, तो अब फटाफट से हम खाना स्टार्ट करते हैं। अभी आता हूँ, वहाँ बैग देखता है, देखो अब इसको यहाँ बैग पसंद आ रहा है। हाँ बिच्चू। सो गाइज, अभी हमें लिफ्ट में और हमको जाना है 3rd फ्लोर की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ सामान परचेज करना था। सो यहाँ पे हम पहुँच गए थे गेमिंग एरिया की तरफ, जहाँ कि मेरा कोई काम तो नहीं था क्योंकि मुझे कोई भी गेम यहाँ पे खेलना नहीं था। और अब हम चल रहे हैं जहाँ से कि मुझे कुछ सामान लेना था। सो यहाँ से जो भी मेरी नीड की चीज़ें थी ना, मैंने फटाफट से ले ली थी और अब इसकी बिलिंग हो रही थी। तो गाइस, अब चल रहे हैं हम घर की तरफ और बहुत सारी शॉपिंग भी हो चुकी है, खा भी लिया है। तो गाइस, ये है राजपुर रोड और इधर रहा पैसिफिक मॉल एंड अब हम लोग जाने वाले हैं घर की तरफ। तो गाइज, वैसे तो हम ऑन द वे थे और हमें जाना है घर, लेकिन इससे पहले मैंने बिज्जू को गलती से पूछ लिया कि बिज्जू मेरी तरफ से क्या खाना है, तो बिज्जू का भी फटाफट से आंसर आ गया कि हाँ मुझे ना अब कुछ मीठा खाना है। तो मीठे में बिज्जू को खाना था पेस्ट्री, तो मैंने सोचा कि चलो चल लेते हैं। तो हम आ चुके थे अब नैनीज बेकरी की तरफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे केक्स और पेस्ट्री मैं देख रही थी, तो हम लोगों ने फटाफट से ले पेस्ट्री और डोनट्स हमने ले लिए थे। सो गाइज, यहाँ पे ना बिजू ने मुझे बोला कि तेरे फ़ोन का टेम्पर्ड भी ख़राब हो चुका है, तो बिजू ने यहाँ पे एक शॉप
पे मुझे रोक लिया और यहाँ से मैं आपको दिखा रही थी इसी रोड का सुंदर नज़ारा और वीडियो यहाँ पे लगवा रहे थे मेरे फ़ोन पे टेम्पर्ड और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सुंदर सी लाइटिंग और आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे सेल्फी स्टिक स्टैंड वगैरह थे। तो मैं भैया से इनके प्राइस भी पूछ रही थी लेकिन बाद में मैंने सोचा छोड़ो मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है जाने दो। गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे घर पे और मैंने वीडियो के लिए फटाफट से बना ली थी गर्म गर्म कॉफ़ी। तो गाइस मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी और मेरे हाथ में है आदिल कादरी प्रीमियम फ्रेग्रेंस और जो कि काफ़ी सुंदर और बहुत सारी इसमें परफ्यूम थे जिनकी कि बहुत ही अच्छी स्मेल थी। सो यहाँ पर वीडियो ने ही ऑर्डर किया था। सो गाइस आदिल कादरी इंडिया का टॉप ब्रांड है और इसमें से ना कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए जो कि मैंने ले लिए एक दो परफ्यूम्स। तो इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस यहाँ पर मेरा खाना वाना हो चुका था और अब बारी थी कुछ मीठा हो जाए तो जो भी मैं नैनीस से यहाँ पे पेस्ट्री और डोनट्स लाई थी ना अब मैं उनको खाने की पूरी तैयारी में थी। सो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप सपोर्टिंग कीप सब्सक्राइब।